दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार स्वागत है। सबों को नमस्कार। बारी आ गई है एसएससी सीजीएल 7 जून 2019 को पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल की। बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नॉन वर्बल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, और इसमें एक मेरी सलाह आई थी आप लोगों को कि इसमें बहुत कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ आना है, कटिंग देखना है कि उसने मोड़ा कहाँ और काटा कहाँ। आपका सबसे पहला टारगेट हाफ पोर्शन का पता करना, आधा। जब आधा पता करेंगे तो इस मोड़ पर आप मिरर रखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिरर रखना है। इसका मिरर इमेज खींच दीजिए, क्या इसका मिरर इमेज ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 1/2 पेपर दिख रहा है, फुल कीजिए। यानी अब इस मोड़ पर आप मिरर रखिए और इसका मिरर इमेज दीजिए, इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा, इन दोनों गोले का यहाँ पर और इन दोनों गोले का यहाँ पर आएगा। ये भाग आपको कटा हुआ दिखाई पड़ेगा ये, और इस प्रकार आप दिए गए विकल्पों में से इस आंसर को ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं सीरीज कॉम्प्लीशन का है। इसमें सभी आकृतियों को एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, एक को देखते हैं, ज़रा इसको देखते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, देन क्लॉक पहली आकृति को देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज 90, और ये फिर से क्लॉकवाइज 90, एक बार और क्लॉक 90 होगा तो पहली आकृति यहाँ ऐसे बन जाएगी, और ये जहाँ जहाँ नहीं है ऑप्शन में से छांटिए, पकड़िए इसको, इसका घुमाव देखिए, ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक 90, अगेन एंटी क्लॉक 90, अगेन एंटी क्लॉक 90, इसको जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो ये ऐसी आकृति देगा। आइए यहाँ, ये ध्यान से देखिए, इसका मूवमेंट हर एक स्टेप में एंटी क्लॉक हो रहा है, ये एंटी क्लॉक 90, अगेन अगेन एंटी क्लॉक 90, फिर से 90 डिग्री, ये ऐसे घूम जाएगा। अब इस पर आइए, इसकी मूवमेंट कैसे है आप देखेंगे तो इसकी मूवमेंट ऐसे है, यानी ये ऐसे क्लॉक वाइज 90 डिग्री पर घूम रहा है, ये फिर से क्लॉक 90, क्लॉक 90, आप घुमाइए क्लॉक 90 और दिए गए विकल्प में से आंसर चुनिए। जरा देखते हैं यह कौन से विकल्प में है। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 विकल्प नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का है, ये आसानी से झटाक से बनाइए, 5 दूनी 10 2 12, दुगुने से 2 ज़्यादा, 12 दूनी 24 2 26, 26 दूनी 52 2 54, आप समझ गए होंगे, 54 दूनी 108, जोड़ 2 110, दिए गए विकल्प में से 110 ढूंढिए। आप समझ गए होंगे ये क्या चल रहा था, 5 गुना 2 जोड़ 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 24 2 26, 26 दूनी 52 2 54, 54 दूनी 108, 2 110, ऐसे जल्दी जल्दी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि भाई ये जो सेट है 8 15 9, दिए गए विकल्पों में से सेम गुण वाला सेट कौन सा है। आप स्क्रीन पर देख करके सभी ऑप्शंस को देखेंगे, याद रखिएगा इसके सेट को बखूबी देखिएगा, ऐसे सेट बहुत परेशान करते हैं। यहाँ है क्या वास्तविक गुण वो देख लेंगे आप। 15 और 9 को जोड़िए, कितना हो जाता है, 24। देखिए पहली संख्या ये और दूसरी तीसरी ये, दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल पहली संख्या से डिविजिबल है, यह गुण आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी है 4, 16 एंड 12, इन दोनों का योगफल 28 है, जो 4 से डिविजिबल है। इस सेट में अंतिम की 2 संख्या का योगफल प्रथम संख्या से डिविजिबल है, वही ऑप्शन नंबर बी में अंतिम 2 संख्याओं का योगफल पहले से ही डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बाकी में ये गुण नहीं मिलेगा। चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इससे पहले स्क्रीन पर आपको देखा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को चैट बॉक्स में डाल देंगे, देखें आप क्या आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है
यानी पी महिला इस प्रश्न में, और आर की माँ है कौन? पी। ध्यान से देखिए, पी आर की माँ है। आगे बढ़ते हैं, एस क्यू की पत्नी की पुत्र वधु है। एस क्यू की पत्नी यानी क्यू पुरुष है, क्यू की पत्नी की पुत्र वधु यानी दोनों की पुत्र वधु कौन? एस। एस क्यू की पुत्र वधु है, क्यू की पत्नी की पुत्र वधु यानी एस की पुत्र वधु। नेक्स्ट, डब्लू का पोता एम। डब्लू का पोता एम है, यहाँ ना डब्लू ना एम दिख रहा है, एक रफ्तार कीजिए। डब्लू का पोता एम यानी डब्लू के बेटे का बेटा है एम। डब्लू का पोता एम पी का भतीजा है। पी का भतीजा कब होगा? जब पी इसकी संतान हो, यानी इसका पुत्र हो, चूंकि भतीजा होना है तो मेल होना है, तभी इसका भतीजा होगा, इसके भाई का बेटा। पी डब्लू का पोता एम पी का भतीजा है, एम होगा यहाँ, एम पी का भतीजा है। अब डब्लू का पोता होना यानी डब्लू के पुत्र का पुत्र होगा तभी ये संभव, और भी का भाई है, एम पी का भतीजा और भी का भाई, ये लीजिए ये भी का भाई भी है। अब प्रश्न आपसे, सॉरी, डब्लू के केवल दो बच्चे, ठीक है, डब्लू के दो बच्चे क्यू एंड पी, ये और कन्फर्मेशन दे दिया। क्यू भी से कैसे संबंधित है? क्यू भी से कैसे संबंधित है? सोचिएगा, ये पुरुष है ये कन्फर्म, यह इसका कौन है? पुत्र, और पुत्र को यह भाई कहता है, पुत्र को यह भाई कहता है, और ये व्यक्ति चूंकि इसका पुत्र है तो इसको क्या कह रहा होगा? पिता। सोचिए, यह जिसका भाई है, जब ये इसको पिता कह रहा है तो ये भी पिता कह रहा होगा, यानी क्यू का भी से क्या रिश्ता है? पिता का, ऑप्शन नंबर बी। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्लीन को ये, ब्लू को ये, तो जोक को। क्लियर हो रहा होगा आपको, सी की वैल्यू याद है किसी को? 3। यहाँ देखिए, एल की वैल्यू 12, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 14। याद देखिए ना, एन 14, ए 1, ई 5, एल 12 एंड सी 3। सेम चीज़ यहाँ, वही काम करना। ई का बोलिए 5, के का बोलिए 11, ओ का बोलिए 15 और जे का 10। ढूंढिए ऑप्शन में से, यह आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पहचान रहे हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल गिनना है आपको। गिनिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 उधर तो 5 नीचे, 10 हुए। समय नहीं देना है प्रश्न को, 10। 10 के बाद गौर से देखिए, ये 11 और ये 12 दिखा होगा आपको, 12 के बाद ये 13 और यहाँ देखिए 14। ऐसे भी तो वहाँ मिलेगा ना, 14 एक 15 और ये 16। एक बड़ा ट्रायंगल देखिए, ये 17 और ये बड़ा ट्रायंगल 18। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे, 18 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए, ये वाटर इमेज का है, राइट, सॉरी मिरर इमेज का। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का मिरर इमेज ढूंढना है। देखिए इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ध्यान से देखिए, तो ये ऐसा होगा ना और वो ऐसा, ये एरो ऐसे, ठीक उल्टा चलेगा, ये यहाँ देखिए आंसर से मिलाइए, ये थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिएगा, है ना क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने में समय नहीं लेना, फटाफट बनाना है, क्वेश्चन देखें और समझ गए ये क्वेश्चन किसका बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनालॉजी का क्वेश्चन है। DFIM का संबंध इससे, डी की वैल्यू 4 और W की वैल्यू 23, इन दोनों का योगफल 27 है, और जिन दो वर्णों का योग 27 होता है वो विपरीत वर्ण होता है। तो देखिए F, अब यहाँ वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए, 6 और 21 मिलकर 27, 9 और 18 मिलकर 27, 13 और 14 मिलकर 27, सीधा सीधा विपरीत वर्ण रखना। G का विपरीत कौन? T। E का विपरीत कौन? V, चूँकि 5 तो 22 27। N का विपरीत कौन? M। और P का विपरीत, P 16 तो इसका विपरीत 11। आपका जवाब टी भी एम के होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 12, यह एक सेट दिया गया है 12 और 42, ऐसा ही संबंध आपको दिखाना है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है।
देखिए 1242 में जो यहाँ प्रश्न में संबंध है, आप स्क्रीन पर सभी ऑप्शंस को देख रहे होंगे। एक संख्या है 6, एक संख्या इसको, जो संख्या इसको 2 टाइम्स, वही संख्या इसको 7 टाइम्स गुना करने से मिलती है, ऐसा कोई संबंध आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर सी को जरा देखिए, सी में 8 और 28 है, 8 और 28 में वही संबंध, क्या कोई संख्या जो इसको दो बार में काटती, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 28, जैसे यहाँ कर रहे थे, और उधर 7 से होना चाहिए, जो सेटिस्फाइड है। तो आपको यह ऑप्शन अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर सी देना चाहिए। चलिए फटाफट बनाइए भाई, ये क्वेश्चन पहचान रहे हैं 13 नंबर, 6 के विपरीत पूछा है, कितनी सतहें उभयनिष्ठ हैं, आप कहेंगे दोनों में एक सतह उभयनिष्ठ, कौन सी भाई, 3, क्या करना है, लेकर घूमना है, इसमें ऐसे घूमेंगे तो आएगा आपका 3 4 2, इसमें भी लेकर घूमिए, 3 1 6, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6 निकल गया, यानी 6 के विपरीत क्या जवाब दे देंगे आप, 2, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एक सेट दिया गया है, सेट है 3 16 5, ऐसा ही संबंध नीचे विकल्प में देखना है, स्क्रीन पर आपका प्रश्न दिख रहा होगा, ढूंढिए कौन सा है, इन दोनों को जोड़ा, यानी जोड़कर कितना हुआ, 8 को दोगुना किया, बीच वाला एलिमेंट प्राप्त किया, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में यह ऑप्शन आप देखिए तो जरा, बी में 7 32 एंड 9, 9 7 को जोड़िए, 9 और 7 मिलकर कितने, 16, 16 का दोगुना किया हो गया कितना, बीच वाली संख्या, यानी ये दोनों मिलता है, यानी इस सेट वाला गुण इसमें है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी जवाब देना चाहिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप समझ रहे होंगे यह प्रश्न सिलोजिज्म का है, कुछ नहीं, आई मतलब कुछ है, यहाँ सड़क लेन है, लेन और सड़क यहाँ देख रहे हैं, आई प्लस आई बराबर नॉट वैलिड होता है, यानी ये जवाब नहीं होगा। सभी वाला निष्कर्ष तभी सत्य होता है जब दोनों ही स्टेटमेंट सभी में हैं, यानी ये सभी है मतलब ए का निष्कर्ष तभी सत्य माना जाता है जब दोनों ही स्टेटमेंट ए में हों, यानी यह भी गलत हो गया। अब आइए, ये तो ऐसे भी गलत था ना, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ये नेगेटिव कैसे होगा भाई, कुछ लेन सड़क आई प्लस आई बराबर नॉट वैलिड, तीनों गलत। लेकिन गलत होने के बाद जरा पहले और तीसरे पर विचार कीजिए, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सड़क और लेन दोनों में मौजूद है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उभयनिष्ठ है, और इस स्थिति में आइदर का केस होता है, और यहाँ जवाब देंगे आप एक अथवा तीसरा स्टेटमेंट। चलिए बारी आ जाती है अगले प्रश्न की, यानी 16 नंबर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए, रेगुलर को GERTRAL कहते हैं, एक और दिया है कि ब्रदर को समथिंग कहते हैं, एक से ही हमारा काम चल रहा है, ध्यान से देखिए, इस तीन को और इस एक को, अब आप समझ गए होंगे, प्रथम तीन REG को विपरीत क्रम में GER लिखा, LAR को RAL लिखा, अब बीच वाले को -1 करके 21 से 20 कर दिया, हम लोग भी इस तीन को अपोजिट क्रम में लिखें तो BRO को लिखेंगे हम लोग ORB, और लास्ट वाले तीन को अपोजिट क्रम में हम लोग लिखेंगे REH, और इस बीच वाले से -1 कर देंगे, 20 माइनस 1, 20 में एक घटाएंगे, जवाब 19 होगा, आपका जवाब ORBSREH ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे, ढूंढते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में स्नातक शिक्षक और शिक्षित, ग्रेजुएट्स टीचर्स एंड लिटरेट्स को लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा सजाना है आपको, 17 में, आप सोचिए, ग्रेजुएट टीचर्स एंड लिटरेट्स, जितने शिक्षक हैं सभी स्नातक तो नहीं होंगे, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, वो शिक्षक हो चाहे स्नातक हो, वो शिक्षित जरूर होगा, ये डायग्राम उसका बन गया, तो 17 नंबर का आंसर आप दे देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग समझ रहे होंगे, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, यह दी गई आकृति दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है, ये ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये साफ साफ आपको दिख जाएगा, ये मोटे हिस्से से देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये और ये हिस्सा लगता है इसकी आकृति थोड़ी गलत बनी, यहाँ भी एक ये है, ये अब देखिए, ये
और ये हिस्सा। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखते ही पता चल रहा होगा कि यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। दिए गए चार संख्याओं में कोई एक संख्या भिन्न है, यानी चार बाकी एक जैसा है। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों एक जैसा कैसे, ये भाज्य संख्या है, ये किसी न किसी से विभाजित होती हैं, लेकिन 43 अभाज्य संख्या है, इसलिए जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर जवाब देना है। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हम यहाँ से देखकर बताते हैं। ध्यान से देखिए, सीखना, कॉलेज, डिग्री, प्रवेश, मूल्यांकन और कक्षा, इनको सजाना है एक सार्थक क्रम में। तो सबसे पहले आप प्रवेश तो लें, पहले सबसे पहले आप प्रवेश लें जो चार में छिपा है, ठीक है। प्रवेश लेने के बाद प्रवेश लेंगे, रुक जाइए, प्रवेश सीखना, प्रवेश लेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज कितने में, दो नंबर पर। देन चले जाइए आप कक्षा में, यानी छः में, कॉलेज प्रवेश लेकर कक्षा के कॉलेज में, सॉरी कॉलेज के कक्षा में गए। अब क्या होगा, फिर आप वहाँ सीखेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करेंगे सीख लेंगे, तब आपको आपकी मूल्यांकन होगी, यानी परीक्षा की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, पाँच नंबर। और परीक्षा लेकर पास करते हैं तो आपको डिग्री भी दिया जाएगा। ये रहा 4, 2, 6, 1, 5, 3, यानी आप सबसे पहले चार एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, कक्षा में प्रवेश करते हैं, देन सीखते हैं, आपकी मूल्यांकन की जाती है, फिर आपको डिग्री दी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 22 में जो कह रहा है, इनमें से किन दो मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से समीकरण सही या संतुष्ट हो जाता है। अच्छा, इससे पहले 21 नंबर देखिए, 21 नंबर आप देखेंगे, एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न ने कहा यूनिटी डिवीजन इज टू यूनिटी, यानी विभाजन और एकता, जैसे विभाजन का संबंध एकता से, तो मरम्मत का संबंध किससे होगा। स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस हैं कठोर, असुविधा, नुकसान, टाँका। आप सोचिए, विभाजन और एकता, विभाजन मने डिवीजन अलग अलग भागों में, और एकता मने एक संग्रह रूप का, दोनों ठीक अपोजिट है भाई। तो मरम्मत का अपोजिट क्या हो जाएगा, डैमेज, नुकसान। आप जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 22 में, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदलकर समीकरण को संतुष्ट करने की बात होती है। इसकी एकमात्र कला है भाई, सभी विकल्पों को आप जांचें और फिर आंसर पकड़ें। सीधा डी को जांचते हैं, चूंकि इस पे आंसर है। प्लस और डिवीजन को चेंज कर देता है, इसको प्लस कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 9 - 3/12 यानी 1/4 × 8 + 4 = 11। ये दो बार में गया, यहाँ आ जाता है 9 - 2 + 4 हो गया 9 × 4 = 13, 13 में 2 गया 11, 11 = 11, ये सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिए गए मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बारी आती है, देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन का मतलब इन चारों में तीन के गुण एक समान है, यानी उनको क्लासिफाई कीजिए, और एक जिसमें वह गुण नहीं है वो विजातीय हो जाता है, ऑडमेन हो जाता है, उसको छांटिए, वही आपका उत्तर होगा। ज़्यादा मशक्कत नहीं करना, सीधा देखिए, इन तीनों में कहीं ना कहीं एक भावेल तो है, इसमें भावेल नहीं है, इसमें एक कम से कम एक भावेल है, तो ये एक ग्रुप वाला, इसमें भावेल नहीं है तो इस ग्रुप वाला नहीं, यानी विजातीय, यानी आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक हैं और एक अलग है, ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो शब्द है कंडेम्न, निंदा करना, एक डेनिग्रेट, बदनाम करना, तीसरा डिस्पैरेज, असमान करना, और चौथा अकवर्ड फील करना या परेशान होना, जिसको आप कह सकते हैं भद्दापन होना। तो निंदा, कंडेम, निंदा करना किसी दूसरे की, डेनिग्रेट, बदनाम करना, वो भी किसी दूसरे की, असमानता क्रिएट करना, वो भी किसी और की, अकवर्ड एक अलग थीम। तो आप इसमें जवाब ऑप्शन नंबर डी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो सामान्यतः हर एक प्रश्न में पूछता है, आप देखिए इसको बनाने सीख गए थे, आप गिनते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18,
18 होगा तो 3 में बांटेंगे, ये डी से शुरू, ये सी से शुरू, इसका मतलब है कि ये अल्टरनेट सीरीज है, यानी इसका इससे देखना है, इससे देखना है, ये डी बी से तो ये भी डी बी से पकड़ा गया, डी बी ए डी बी ए, ये डी बी ए डी बी ए, यहाँ भी डी बी ए हो जाएगा। अब इन दोनों को पकड़िए तो पकड़ा हुआ है भाई, सी बी डी, ये भी सी बी डी और ये भी सी बी डी, आपका होता है डी बी ए सी बी डी, डी बी ए सी बी डी, डी बी ए सी बी डी, यानी सबसे पहले आपने क्या भरा ए, देन इसमें तो कुछ नहीं था, फिर आप डी भरते हैं, फिर सी भरते, फिर डी भरते, फिर बी भरते, और इसको विकल्प में से चुन लेंगे, यह विकल्प नंबर बी में मौजूद है। इस प्रकार आप इस सेट के 2500 प्रश्नों की व्याख्या देख रहे थे। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ध्यान ये रखना है कि धीरे धीरे स्पीड को थोड़ी बढ़ानी है, स्पीड को कंट्रोल करना है। देखिए 25 में 25 सवाल आपको एग्जामिनेशन में बनाने नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप 10 से 11 मिनट में, मैक्सिमम चलिए 12 मिनट ले लेते हैं, 12 मिनट में 25 में आप जो 22 23 24 प्रश्न बनाना चाहते हैं बना लेना है। इसलिए थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी होगी, हम लोग जल्दी जल्दीबाजी में प्रश्न सीखेंगे, सैकड़ों सेट बनाने हैं उसमें जल्दीबाजी आ ही जाएगी, हम लोग जल्दी जल्दी बना भी लेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।